बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरहली सदरी वयस्सिरली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, आई विश यू ए पीस एंड आई होप यू ऑल विल बी फाइन। सो वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज लेक्चर 5 एक्सरसाइज 4.1। तो स्टूडेंट, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम जो अपना प्रीवियस नॉलेज है उसको हम चेक कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, आपने ये पढ़ा था कि हाउ वी ऐड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और रैशनल एक्सप्रेशंस, उनको हम किस तरह ऐड करते हैं। तो मैंने आपको दो तरीके बताए थे, एक था वर्टिकल मेथड और एक था हॉरिजॉन्टल मेथड। अब बेटा थोड़ा सा मैं आपको इसकी आपकी जो मेमोरी है उसको मैं रिकॉल करता हूँ। वर्टिकल मेथड में क्या था कि फॉर एग्जांपल 2x² + 4x एक एक्सप्रेशन है और दूसरी एक्सप्रेशन क्या है जी 3x² + 5 कर लेते हैं, ठीक है। तो वर्टिकल और हॉरिजेंटल क्या था ये चलें इसको मैं सिंपल करता हूँ, इसको 5x कर लेता हूँ। तो वर्टिकल में हमने क्या किया था बेटा, इसको हमने वर्टिकल फॉर्म में पहले लिखा था और फिर इसको हमने ऐड किया था। तो वर्टिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो आपको मैंने बताया था कि आपके पास जो x² वाली टर्म है दोनों एक्सप्रेशन में, x² को x² के नीचे लिखेंगे और x वाली टर्म को x वाली टर्म के नीचे लिखेंगे। इसके अलावा कोई भी कांस्टेंट टर्म होगी तो वो इसके आगे आ जाएगी। तो इस तरह हमने इनको ऐड किया था। और एडिशन का क्या रूल बताया था कि एडिशन में हम हमेशा किसको ऐड करते हैं जी, कोफिशिएंट्स को। इस तरह ये हमारे पास 3 और 2 है, ये x² है, ये x², यानी इसमें हमने जो लाइक टर्म होती है, एक जैसी टर्म होती है, उनको हमने ऊपर नीचे रखना होता है। तो देखें अब ये x² वाली टर्म है, इसका कोफिशिएंट 2 है और इसका कोफिशिएंट क्या है 3 है। तो बेटा एडिशन में सिर्फ कोफिशिएंट ऐड हो जाते हैं, +3 + 2 तो क्या आ जाएगा 5x² हो जाएगा, फिर प्लस। अब यहां पर x वाली टर्म है यानी जिसकी x^1 वाली, इसका कोफिशिएंट क्या है जी 4 है और यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है जी 5 है। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो जाहिर है कोफिशिएंट ऐड होंगे, वेरिएबल को हम एज इट लिख देते हैं। 4 + 5 क्या आ गया 9x। तो ये बेटा था वर्टिकल मेथड। और दूसरा क्या है जी हॉरिजॉन्टल मेथड। अब हॉरिजॉन्टल मेथड उसको मैं, चूंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन हो तो उसमें बेस्ट यही होता है, यानी जो P(x)/Q(x) की फॉर्म में हो तो उसमें बेस्ट यही होता है कि उसको हम हॉरिजॉन्टल मेथड से सॉल्व करें। अब हॉरिजॉन्टल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक तो मैंने आपको एक ही क्वेश्चन को मैंने वर्टिकल से भी करवाया था और हॉरिजॉन्टल से भी करवाया था। तो अब ये वाला क्वेश्चन है, चूंकि ये रैशनल एक्सप्रेशन है तो इसको हम ऐड करते हैं कौन सा मेथड यूज करके, हॉरिजॉन्टल फॉर्म या हॉरिजॉन्टल मेथड। तो इसमें बेटा हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, y + 9 / y² + 3 और दूसरी एक्सप्रेशन है रैशनल -7y + 7 / y² + 3। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिख देंगे, y² + 3 - 7y + 7y² + 3 ये मैंने लिख दिया। अब हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट किया है, तो जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करें तो पीछे इक्वल का साइन डाला करें। तो बेटा ये क्या आ गया हमारे पास इक्वल टू, अब ये y + 9 / y² + 3 एक आपके पास एक्सप्रेशन है, दूसरी -7y + 7 / y² + 3 है। तो इनको सॉल्व करने का किस तरह, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए पहले मैं आपको सिंपल रैशनल नंबर ले लेता हूं और उससे कोई एग्जांपल देता हूं। इस तरह देखिए हम लिखते हैं ना 4/5 + 3/5, ये कोई भी हमारे पास
रैशनल नंबर हैं, इनको हमने ऐड करना है। तो ऐड करने का क्या तरीका था कि हम क्या करते थे, पहली फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो 5 है, दूसरी का डिनोमिनेटर भी क्या है 5 है, तो हम क्या करते थे इस तरह लाइन लगाकर वो उनका, चूंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो लाइन लगाकर हम उसको नीचे लिख देते थे। ये दूसरे लफ्जों में हमने डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होता है, तो जाहिर है एक भी 5 है दूसरा भी 5 है तो एलसीएम डेफिनेटली 5 ही आ जाएगा। अब जो ऊपर न्यूमरेटर है, अगर आपके पास डिनोमिनेटर सेम है ठीक है, तो फिर तो बिल्कुल सिंपल है, ऊपर वालों को आप जस्ट ऐड कर दें, क्या आ जाएगा 4 + 3 = 7/5। तो ये इसका आंसर है। इसको दोबारा देख लें, हमारे पास एक फ्रैक्शन है 4/5 और दूसरी भी क्या है 3/5 है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो इसका क्या तरीका है, चाहे वो रैशनल नंबर के लिए हो या रैशनल एक्सप्रेशन के लिए हो, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो वही उसका एलसीएम हो जाता है। तो बेटा यहां पर भी क्या हो जाएगा, ये इसका एलसीएम आ जाएगा, ये भी वाई स्क्वायर प्लस 3 है और ये भी क्या है वाई स्क्वायर प्लस 3 है, तो इसको हम एज इट इस तरह लिख देंगे वाई स्क्वायर प्लस 3, ये इनका एलसीएम हो गया। अब जो न्यूमरेटर है, जिस तरह यहां न्यूमरेटर था, इसका न्यूमरेटर 4 था और इसका न्यूमरेटर 3 था, तो हमने क्या किया, इसको हमने 4 + 3 लिख दिया ठीक है, यानी इन ऊपर वालों को डायरेक्ट आपस में ऐड कर दिया क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम थे। तो यहां पर इसका न्यूमरेटर क्या है y + 9 ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 7y और प्लस 7, बाहर अगर प्लस है तो ये अंदर के साइन को चेंज नहीं करेगा, तो ये -7y + 7 आ गया ठीक है बेटा। अब इसमें हमने जस्ट क्या किया, न्यूमरेटर को इकट्ठा लिख दिया, सम की फॉर्म में लिख दिया ठीक है। अब फिर वही बात है कि हमने जो लाइक टर्म है, जो एक जैसी टर्म है, उनको हमने पहले अरेंज करना है और फिर उनको ऐड करना है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा y। अब यहां पर क्या है 1y है, y है और ये क्या है, ये भी y वाली टर्म है, तो y - 7y + 9 कॉन्स्टेंट टर्म और +7 ये भी क्या है कॉन्स्टेंट टर्म है, डिवाइडेड बाई y² + 3। तो बेटा ये क्या आ जाएगा 1y - 7y क्या हो जाएगा -6y + 9 + 7 क्या आ गया 16 डिवाइडेड बाई y² + 3। तो ये हमारा आंसर है। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हमने क्या किया, रैशनल एक्सप्रेशन थी कैसे सॉल्व किया। पहला स्टेप होता है कि हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, तो जब डिनोमिनेटर सेम हो तो बेटा इस तरह लाइन लगाकर नीचे डायरेक्ट वही उसका एलसीएम होता है, क्या आ जाएगा y² + 3। तो ये बिल्कुल सिंपल है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो फिर आपने न्यूमरेटर को डायरेक्ट आपस में ऐड कर देना है, तो क्या आ जाएगा y + 9 - 7y + 7। अरेंज किया, लाइक टर्म जो है y वाली टर्म को इकट्ठा कर दिया, कांस्टेंट टर्म को इकट्ठा कर दिया, तो 1y - 7y क्या आ गया -6y + 9 + 7 = 16। अब जाहिर है यहाँ कोफिशियंट 1 है, यहाँ कोफिशियंट -7 है, तो जो बड़े का कोफिशियंट है जो बड़ा कोफिशियंट है उसके साथ कौन सा साइन है माइनस है, इस वजह से आपका रिजल्ट जो आएगा एक प्लस है एक माइनस है, होंगे तो ये माइनस, लेकिन साइन जो है वो किसका आएगा माइनस का आएगा, उसकी वजह क्या है कि जो बड़ा है कोफिशियंट उसके साथ माइनस है, तो ये आपका आंसर है। तो इसी तरह बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का जो थर्ड एंड फोर्थ पार्ट है वो आपने खुद सॉल्व करने हैं, डू योर सेल्फ, ये आपने बेटा खुद करना है, ये आपका होम टास्क है, क्वेश्चन नंबर 4 का 3 and 4 पार्ट वो आपने खुद सॉल्व करना है। तो ये एडिशन के क्वेश्चन थे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वो किससे रेलेवेंट है जी, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारे पास है जी, सब्ट्रैक्ट करना है हमने
वो भी इसी तरह एक्सप्रेशंस हैं, उनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। या इस तरह करता हूँ, मैं इसका एक और पार्ट कर लेता हूँ, थर्ड पार्ट, क्योंकि उसमें एलसीएम जो है वो आपका क्या आएगा, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। चलें इसी का इस तरह करते हैं, आप क्वेश्चन नंबर फोर का फोर पार्ट जो है वो आप खुद कर लें। क्वेश्चन नंबर फोर का फोर पार्ट ये आपने खुद करना है। तो अब मैं थर्ड पार्ट को सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर फोर का जो थर्ड पार्ट है वो क्या है जी, y डिवाइडेड बाय y प्लस फोर, टू वाई डिवाइडेड बाई वाई माइनस फोर। ठीक है बेटा, तो ये आपका देखें इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए फिर मैं आपको पहले सिंपल सी एग्जांपल देता हूं, टू बाई थ्री प्लस फोर बाई फाइव। अब ये दो फ्रैक्शन है, इनको हमने कैसे सॉल्व करना है। अब देखें यहां डिनोमिनेटर थ्री और यहां पर फाइव है, तो ये डिफरेंट है, तो इनका पहले आप एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम का तरीका आपको पता है कि डिवीजन मेथड से क्या होता है। अब देखें यहां थ्री और फाइव है, तो ये किससे डिवाइड होगा, थ्री, थ्री वन इज थ्री, फाइव नहीं डिवाइड होता, उसको आप एज इट लिख देंगे। ठीक है, लास्ट में आपके पास जब वन वन आ जाएंगे तो लेफ्ट साइड पर जो होंगे उनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, जो नंबर भी होंगे वो आपका एलसीएम होगा। अब ये जाहिर है फाइव है, तो वन तो एज इट रहेगा, फाइव वन इज फाइव, तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, इनको आपने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये एलसीएम हो जाता है। तो ये बन जाएगा थ्री मल्टीप्लाई बाय फाइव, फिफ्टीन आ गया। तो यहां पर अब एलसीएम क्या आ गया जी इसका, फिफ्टीन। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करना है, तो इसके लिए आप डायरेक्ट ऊपर वालों को आपस में ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि एलसीएम डिनोमिनेटर डिफरेंट है, यहां थ्री और यहां पर फाइव है। तो क्या करेंगे बेटा, अब आप इसको इस पर डिवाइड करें, डिनोमिनेटर को 15 पे 3 को डिवाइड करें, क्या आ जाएगा, 3 फाइव आर 15, तो आपका आंसर क्या आ गया, 5। जो भी आंसर आएगा उसको हम इधर लिख देंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय इसका न्यूमरेटर क्या है, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले डायरेक्ट न्यूमरेटर लिखते थे, अब डायरेक्ट नहीं होगा, अब आप डिनोमिनेटर को एलसीएम पे डिवाइड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। दरमियान में प्लस साइन है, ये प्लस आ गया। अब दूसरी फ्रैक्शन लें, यहां इसका डिनोमिनेटर 5 है, इसको एलसीएम पे डिवाइड करें 15 पे, तो क्या रिजल्ट आता है, 3 आ रहा है, तो जो रिजल्ट आएगा उसको इधर लिख देंगे, और इसका न्यूमरेटर क्या है, 4 है, तो ये आ जाएगा 5 टू जार 10, 12 और 15, तो ये क्या बन गया, 22 बाई 15। बिल्कुल यही प्रोसीजर बेटा हमने यहां अलजेब्रिक रैशनल एक्सप्रेशन में भी अप्लाई करनी है। तो अगर हम इसका एलसीएम लें, तो अब एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आपके पास आ जाएगा, अब डिफरेंट है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करने से एलसीएम आता है, तो y प्लस फोर और y माइनस फोर, ये एलसीएम आ गया। ठीक है, अब आप पहली फ्रैक्शन को लें, डिनोमिनेटर को एलसीएम पे डिवाइड करो, यानी y प्लस फोर और y माइनस फोर पे आप किसको डिवाइड करें, y प्लस फोर को, तो ये इससे कैंसल आउट हो गया, क्या बच गया, y माइनस फोर। अब y माइनस फोर को इसी के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, दरमियान में चूंकि हम ऐड कर रहे हैं किसका साइन आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, चलो मैं डायरेक्ट यहां पर प्लस लिख देता हूं। ठीक है, अब आप ये वाली फ्रैक्शन लें, उसी तरह डिनोमिनेटर को एलसीएम पे डिवाइड करो, क्या है एलसीएम जी, y प्लस फोर y माइनस फोर, और इसका डिनोमिनेटर क्या है, y माइनस फोर, तो बेटा ये देखें इससे कैंसिल आउट हो गया, क्या रह गया हमारे पास, y प्लस फोर, तो ये y प्लस फोर है, और इसी के न्यूमरेटर से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका न्यूमरेटर क्या है, 2y है। ठीक है, तो अब इनको सिंप्लीफाई करना है, क्या हो जाएगा, y मल्टीप्लाई बाय y, y का स्क्वायर माइनस फोर y प्लस 2y, पहले y से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 2y का स्क्वायर, 2y जब 4 से मल्टीप्लाई होगा 8y, डिवाइडेड बाई
बेटा ये आपके पास फार्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी। जाहिर है पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है कि a प्लस बी और a माइनस बी जब इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या रिजल्ट आता है, ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहां पर देखो a का रोल y प्ले कर रहा है, b का 4, a का y b का 4, तो क्या बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये ए और ये बी है, तो ये क्या बन गया जी। अब लाइक टर्म जो है उनको इकट्ठा कर दें, वाई स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई प्लस एट वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर माइनस फोर का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 16। ठीक है, तो अब देखो ये टू वाई स्क्वायर है और ये वन वाई स्क्वायर है, क्या रिजल्ट आएगा, थ्री वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई प्लस एट वाई, क्या रिजल्ट आ गया, प्लस फोर वाई और वाई स्क्वायर माइनस 16। तो बेटा ये आपका आंसर है। मैं इसको रिपीट करता हूं और फिर आप अपनी क्लास जो है यहां पर ही खत्म करता हूं। देखें हमने दो रैशनल एक्सप्रेशन को ऐड किया, अब कैसे ऐड करना है कि यहां इनके डिनोमिनेटर मुख्तलिफ हैं, ये y प्लस फोर है और ये y माइनस फोर है, तो जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, ठीक है, तो जिस तरह मैंने आपको यहां एग्जाम्पल दी है ये 3 और ये 5 है, तो इसके एलसीएम हमने कैसे लिया, जो भी आपके पास अब पहले 3 पे डिवाइड किया 5 रह गया, फिर 5 पे डिवाइड किया, जो लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं डिवीजन में आ रहे हैं उनको आपने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, वो एलसीएम होता है। तो यहां पर y प्लस फोर है और y माइनस फोर है, तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से इसका एलसीएम आएगा। तो फिर उसके बाद हमने क्या किया कि हमने पहली फ्रैक्शन ली ये वाली डिनोमिनेटर को, जिस तरह हमने यहां इसमें किया था 2/3 है, तो 3 को हमने एलसीएम पे डिवाइड किया, 15 पे डिवाइड किया, तो हमारे पास आंसर 5 आ गया था, उसको इसी के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया। फिर हमने क्या किया, ये फ्रैक्शन का मसला हल हो गया, फिर हमने उसके बाद दूसरी फ्रैक्शन ली, डिनोमिनेटर को एलसीएम पे डिवाइड किया, आंसर 3 आया, उसको इसी के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां भी बेटा ऐसे ही है, क्या हो जाएगा जी, वाई प्लस फोर, ठीक है, इनको इस पर डिवाइड करें, वाई प्लस फोर वाई प्लस फोर से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा, y माइनस फोर, तो y माइनस फोर को इसी के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मसला हल हो गया। अब उसके बाद ये वाली फ्रैक्शन हमने ली, ठीक है, ये रैशनल एक्सप्रेशन ली है, तो y माइनस फोर को y डिवाइड किया, तो y माइनस फोर से कट जाएगा, क्या बच जाएगा, y प्लस फोर, ठीक है, ये मैंने किया हुआ है, ये कट गया, y प्लस फोर बच गया, उसको इसी के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मसला भी हमारा हल हो गया। अब हमने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लीकेशन के बाद जो लाइक टर्म है उनको इकट्ठा किया है, तो ये एक जैसी टर्म थी इनको इकट्ठा किया है, एड सब्ट्रैक्ट किया है, तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, थ्री वाई स्क्वायर प्लस फोर वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर माइनस 16। तो बेटा अब आपका वही होम टास्क है कि आपने इसका जो फोर्थ पार्ट है वो आपने खुद सॉल्व करना है। तो आज के लिए ये हमारा जो लेक्चर है वो यहाँ पर एंड होता है। थैंक यू वेरी मच।